खुर्रम मवान, आपके पास इतला है कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से? ये खबर फैली हुई है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पैसे नहीं मिले अभी तक। नहीं देखिए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आपको पता है कि अनाउंस भी कर दिया था कि जिस तरह से इनकी मशावरत भी हुई थी, बाबर आजम इन्वॉल्व थे, चीफ सेलेक्टर इन्वॉल्व थे, तो वो तो मिलने ही मिलने हैं। जरसी बातें एक चीज़ हो गई इस तरह की अभी तक है, हालांकि खबरें ये आ रही हैं, ट्विटर पर भी आ रही हैं, दूसरे भी आ रही हैं, पर जितनी इसकी सदाकत है इसकी अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन बोर्ड ने खुद भी नहीं की अभी तक। एजाज शेख के पास कोई इतला होगी? एजाज शेख, आपके पास है कोई इतला इस हवाले से? जी आसिफ भाई, आसिफ भाई बहुत बड़ा फड्डा चल रहा है क्रिकेटर्स के दरमियान और क्रिकेट बोर्ड के दरमियान। अभी तक किसी एक क्रिकेटर ने भी साइन नहीं किए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर, और अब क्रिकेट बोर्ड भी ये सोचने पे मजबूर है कि 2026 तक जिनको इतना लॉन्ग टाइम के लिए ये दे दिया है, इतने ज़्यादा मुआवजा दे दिया है और प्रोग्रेस सिफर है, इसको कम करके एक साल तक की जिस तरह माजी में होता रहा है इसको महदूद कर दिया जाए। और जिस तरह जिस लड़कों को आप तीन को ए कैटेगरी दे दी, फिर बी दे दी, फिर उस कैटेगरी में भी चेंजिंग होने जा रही है, बुला बुला के कि अब क्या किया जाए, तो ये फड्डा चल रहा है। अभी तक किसी ने साइन नहीं किया है और गुज़श्ता 5 से 6 माह तक अभी तक किसी को एक पाई तक नहीं मिली, तो ये फड्डा उस वक्त सॉल्व होएगा जब ये वर्ल्ड कप ख़त्म होगा, ये आएंगे, मीटिंग्स होएंगी, तो फिर उसके बाद नए सिरे से इस बात का कभी इम्कान है कि असर नो इसका तयन किया जाएगा, जायज़ा लिया जाएगा, और कभी इम्कान इस बात का भी है कि इसमें अमेंडमेंट होंगी और नई चीज़ सामने लेके आएंगे। और ये कोशिश हो रही है, तैयारी हो रही है, मशावरत भी इस पर जारी है, जो मेरे पास इत्तला हैं ज़राए की तौर से।